फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कैसे आप अपने स्किन को पिगमेंटेशन से बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि मेन रीज़न क्या है जिनकी वजह से जो है पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है। सबसे पहले तो आता है पोल्यूशन, डस्ट और डर्ट, जिनकी वजह से यह समस्या होती है। फिर है सन की अल्ट्रावायलेट रेज, जिनकी वजह से जो है पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट, जिनकी वजह से ये समस्या होती है। अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए 3 होम रेमेडीज़, जिनको आप अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ये समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उसमें से जो पहली 2 हैं वो आपको सप्ताह में 3 बार और जो लास्ट वाली है वो सप्ताह में 1 बार अप्लाई करनी है। ये रेगुलर करना है जब तक कि आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिले, और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपको जो है पिगमेंटेशन की समस्या से छुटकारा मिल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट है, हम एक आलू लेंगे और इसको आधा काट लेंगे, उसके बाद इसे पील करेंगे। आलू जो है हमारी स्किन को टाइट बनाता है, ये एंटी एजिंग भी होता है और साथ ही जो है हमारे दाग धब्बों को भी हटाता है। इसको अपनी स्किन पर रब करेंगे लगभग 10 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में अच्छे से, और उसके बाद जो है ठंडे पानी से चेहरे को धुल लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आलू को पानी में भी डिप कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपने फेस पर इसको अप्लाई करें। सेकंड है, हम एक चम्मच दही लेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यह हमारी स्किन को डीपली नरिश करता है और मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को। इसको हाथ में लेकर अप्लाई करेंगे फेस पर और लगभग 2 से 3 मिनट हल्के हाथों से मसाज करेंगे, अच्छे से लगाएंगे, और उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देंगे और उसके बाद सादे पानी से चेहरे को धुल लेंगे। नेक्स्ट है, हम एक पपीते की स्लाइस लेंगे। पपीते में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेगी रिंकल को भी रिड्यूस करता है और साथ ही ईचिंग को और रेडनेस को दूर करता है। ये एक्ने को कंट्रोल करता है। इसको हम पील कर लेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे स्पून की हेल्प से। लगभग 5 मिनट मैश करने के बाद इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, जो मैंने पहले से ही भिगो के रखी हुई है। इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। ये स्किन को क्लीन करती है और क्लियर लुक देती है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्किन संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक पेस्ट तैयार करेंगे और उसके बाद अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे। इसको ब्रश की हेल्प से या हाथ से भी लगा सकते हैं, और तब तक लगा के रखना है जब तक ये सूख ना जाए। सूखने के बाद इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने फेस वॉश कर लिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि इसके रिजल्ट कैसे रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।